नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। भारतीय कुश्ती महासंघ पर दंगल जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी है। गुरुवार शाम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात और बातचीत के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पा सका। वहीं पहलवान कुश्ती महासंघ के कामकाज और WFI प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शंकर सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर अडिग है। WFI प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शंकर सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण पर गंभीर आरोप लगा है, जिसके बाद से खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ से आरोपों ने जवाब मांगा है। इधर मीडिया रिपोर्ट से बातचीत सामने आई है कि खेल मंत्रालय ने ब्रिजभूषण शंकर सिंह से 24 घंटे में इस्तीफा मांगा है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोप को खंडन करते हुए ब्रिजभूषण शंकर ने कहा कि यदि आरोप सही साबित हुआ तो मैं फांसी लगा लूंगा। कुश्ती महासंघ में छिड़े दंगल में आज का दिन अहम है। दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की आज बैठक होने वाली है। दूसरी ओर WFI प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शंकर सिंह ने शुक्रवार को UP के गौड़ा में दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दे सकते हैं। ब्रिजभूषण शंकर सिंह की PC और खेल मंत्री की खिलाड़ियों से मीटिंग के बाद इस विवाद पर कोई फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले गुरुवार को ब्रिजभूषण शंकर सिंह को बर्खास्त और WFI को तुरंत प्रभाव से भंग करने की मांग को लेकर पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर देर रात तक मीटिंग की। इस मीटिंग में साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोर्टगार्ड, रवि दहिया सहित अन्य पहलवान शामिल हुए। हालांकि खेल मंत्री और पहलवानों के बीच मीटिंग बेनतीजा रही। वहीं आज फिर से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच मीटिंग होगी। खेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को जल्दी सुलझा लिया जाएगा। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार चाहती है कि पहलवान अपना प्रदर्शन खत्म करे, लेकिन खिलाड़ी आर पार के मूनमर है। वो इस बात पर अड़े हैं कि पहले WFI को भंग किया जाए। पहलवानों के एक करीबी सूत्र ने बताया कि सरकार अन्य मुद्दों को बाद में सुलझा सकती है, लेकिन उसे पहले WFI को भंग करना चाहिए। 3 बार राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता और भाजपा नेता बबीता फोर्टगार्ड बृहस्पतिवार को सरकार की संदेह वाहन बनी और धरने पर बैठे पहलवानों को उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया, जो भारतीय कुश्ती महासंघ को भंग करने की मांग कर रहे हैं। वहीं भारतीय पहलवान विनेश फोर्टगा, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत 30 पहलवानों ने बुधवार को कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष ब्रिजभूषण शंकर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। वहीं खिलाड़ियों का कहना था कि महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया जाता है, उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। WFI अध्यक्ष सरेआम पहलवानों के साथ अभद्रता करते हैं और गाली गलौज करते हैं। वहीं पहलवानों का दावा है कि कुश्ती महासंघ नियमों के नाम पर रेसलर्स का उत्पीड़न कर रहा है। पहलवानों ने कुश्ती महासंघ को भंग करने की मांग उठाई है। वहीं आरोपों पर ब्रिजभूषण शंकर सिंह ने सफाई दी है कि अगर आरोप सही साबित हुआ तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ।